फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खबर। जैसे ही कल एजुकेशन मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि सीबीएसई बोर्ड की पूरे देश भर के छात्रों की जो डेट शीट है, एग्जाम की जो डेट शीट है, 2021 परीक्षाओं की जो डेट शीट है, वो 31 दिसंबर को शाम 6 बजे आपकी अनाउंसमेंट होगी। और इसकी जानकारी जो है मैंने आपको कल रात को ही आपको दे दिया था। सबसे पहले मैंने आपको ये प्रोवाइड की थी कि 31 दिसंबर को पूरे देश भर के छात्रों को ये पता चल जाएगा कि उनकी परीक्षाओं का शेड्यूल क्या है। पूरी कंप्लीट आपको सब्जेक्ट वाइज डेट शीट है जो 31 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी। वहीं हम बात करें आपकी परीक्षाओं को लेकर, जो बड़ी अपडेट ये आ रही है कि डेट शीट को लेकर तो डेट अनाउंस हो गई कि आपकी 31 तो आएगी, लेकिन छात्रों की मांग भी बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। यानी कि बात करें, छात्र जो है अप्रैल, मई और जून सीबीएसई बोर्ड को तय करना होगा क्या परीक्षाएं अप्रैल में लेंगे, मई में लेंगे, जून को लेंगे, क्योंकि जो छात्र हैं वो लगातार रिक्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि जो पढ़ाइयां हुई है वो कितनी हुई है, ऑनलाइन पढ़ाइयां, यानी सीबीएसई बोर्ड की इस तरीके से सिचुएशन है। स्टूडेंट जो है, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, कह रहे हैं स्टूडेंट हैव बीन डिप्रेस्ड एंड फीलिंग चीटेड बाय एग्जाम पॉलिसी। जैसे कि आपको हाल ही में पता होगा सीबीएसई बोर्ड ने क्या कहा था कि हम ऑनलाइन एग्जाम नहीं लेंगे। यानी कि सीधा सीधा स्टूडेंट्स का ये कहना है कि गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट करती है कि गवर्नमेंट कैन एक्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेस एंड इन ऑफ स्कोप ऑफ स्टडी। यानी गवर्नमेंट को लगता है कि ऑनलाइन जो स्टडी हुई है उसमें छात्रों की काफी अच्छी तरीके से पढ़ाइयां हो चुकी होगी, उनको स्कोप दिखता है उसमें, लेकिन रियलिटी ये थी कि 50% छात्र तो पढ़ाई कर ही नहीं पाए, और जिन्होंने पढ़ाई भी की ऑनलाइन उनकी सिचुएशन जो है बताने की जरूरत भी नहीं है। और वही बात करें, उस गवर्नमेंट जो है ऑनलाइन एग्जाम को नहीं कराने लेना चाहती, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि ऑनलाइन एग्जाम जो है वो बेहतर नहीं है, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस बेहतर है, ऑनलाइन एग्जाम बेहतर नहीं है। यानी कि बात करें ओवरऑल जो है, जो छात्रों की मांग है कि एग्जाम को टाइम देना चाहिए, यानी सीबीएसई बोर्ड अगर दिसंबर के लास्ट में आपकी डेट शीट जारी करती है तो डेट शीट में जो एग्जाम का टाइमिंग होना चाहिए वो जून में होना चाहिए। ये बड़ी बड़ी छात्रों की मांग है। आप लोग को भी जो मांग होगी एग्जाम्स को लेकर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। यानी मोस्ट ऑफ द छात्र है जून को लेकर कह रहे हैं, तो कई जो है एग्जाम्स को लेकर कह रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड को एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए पढ़ाई के लिए छात्रों की। और वहीं 10वीं 12वीं सभी छात्रों का, जो मोस्ट ऑफ द छात्र है, उन्होंने साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे स्कूलों में जो सिलेबस है इस तरीके से हुआ है, यानी कि बात करें जिससे हमें कुछ समझ में नहीं आया, इसके लिए हमें कंप्लीट जो है ओवरऑल हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं से पहले, ताकि हम अपनी तैयारी कर सकें। मोस्ट ऑफ द जो छात्र हैं वो परीक्षाओं को मई में जून में करवाने के ज्यादातर पक्ष में दिख रहे हैं। वही फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट अपडेट देने वाला हूँ, वही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, तो उस अपडेट को भी आप देखिएगा। वही फ्रेंड्स, उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप एमएचटी सीटी 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो एनकेडमी प्रेजेंट करता है मेस्ट्रो बैच फॉर एमएचटी सीटी 2021, जो पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी के सभी छात्रों के लिए है। और ये जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है फ्रेंड्स, वो 4 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। और ये आपको जो है एमएचटी सीटी की तैयारी के लिए आपको देश भर के टॉप एजुकेटर्स आपको गाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स जो आपको गाइड करेंगे, वही हम बताया यहाँ पे टॉपिक जो है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जैसे तमाम टॉपिक जो है आपके यहाँ पे कवर किए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट आपको भी कराया जाएगा, टिक्स एंड ट्रिक आपको करवाया जाएगा, और आपको क्विजिस भी ली जाएगी। और ये जो पूरी तरीके से जो आपका होने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे बात कर सकते हैं, यानी कि बसंत सर हो गए, जगदीश सर हो गए, जो आपको अलग अलग टॉपिक्स जो है यहाँ पे रोज चलने वाली है। 4 जनवरी को आपका मेस्ट्रो बैच स्टार्ट होने वाला है, तो एमएचटी सीटी की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका है जो एनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। और वहीं बात करें, अगर आप इसका एनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो और भी आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट तो आपको मिलेगा, सीखे हिंदुस्तान कोड इस्तेमाल करने पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और वहीं बात करें यहाँ पे आपके एनअकैडमी पे कई सारे फ्री में क्लासेस भी आपको, टेस्ट आपको ऑर्गेनाइज किया जाता है एनअकैडमी द्वारा, जो सीखे हिंदुस्तान कोड करने पे पूरी तरीके से आपको फ्री होगा। तो आपका ये जो लिंक है फ्रेंड्स, मैंने आपको इस बैच का पूरी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। हाँ, सीखे हिंदुस्तान के कोड को इस्तेमाल करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि इसी कोड द्वारा आपको फ्री में क्लासेस और टेस्ट सीरीज में आप ज्वाइन हो सकते हैं, और प्लस सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट बात एक और जो कही जा रही है, सबसे बड़ी बातें कही है, इस बात पे आप लोग भी एक बार विचार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स ने क्या कहा है, सबसे पहले स्टूडेंट जो है, देखिए मैंने आपको मोस्टली जो कहा, मोस्टली है स्टूडेंट जो है मई में जून में परीक्षाओं को कराने का पक्ष में है। यानी ओवरऑल जो है, मई हो या जून हो, स्टूडेंट जो है नीड टाइम, स्टूडेंट्स को टाइम चाहिए। लेकिन जो बड़ी बात यहाँ पे कही गई है, स्टूडेंट ने सबसे पहले तो रिक्वेस्ट किया है कि एग्जाम्स को मई में कराना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल ने जब परीक्षाओं को जून में करा सकता है तो सर आप क्यों नहीं करा सकते, ये एजुकेशन मिनिस्टर से बड़ी बातें कही जा रही है। और साथ ही साथ एक और सबसे बड़ी बातें यहाँ पे की जा रही है,
डोंट गेट ट्रैप इन द वर्ल्ड ऑफ प्राइवेट स्कूल। ये वो प्राइवेट स्कूल, हाल ही की बात करें तो आपको ये बात अच्छी तरीके से याद होगा, टॉप स्कूलों के यानी शहर के टॉप स्कूल के प्रिंसिपल ने सीबीएसई बोर्ड से ये कहा था कि आपकी परीक्षाओं को फरवरी में ही ले लिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूलों में जो है स्टूडेंट्स की सभी सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है, हम पूरी तरीके से स्टूडेंट जो है कॉन्फिडेंस है बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, उनकी सिलेबस जो है वो दोबारा यानी कि दो बार या तीन बार के रूप में वो रिविजन कर रहे हैं, ना कि वो सिलेबस को कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया। ये बातें जो है ये बड़े प्राइवेट स्कूल के बातों ने स्टूडेंट्स ने कहा था, लेकिन वो भूल गए थे कि सीबीएसई बोर्ड के जो छात्र हैं वो केवल शहरों के टॉप स्कूलों में नहीं पढ़ते, सीबीएसई बोर्ड के छात्र ऑल ओवर इंडिया से पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बातें हैं, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड की इसी तरीके से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।